की ये छोटी कलियां हैं, इनको आप स्वीकार करें। कोकतल भी कमल को कहते हैं, तो इन दो छोटे कलियों को, तो कमल की कलियों को तो कान में धारण करें और एक हाथ में ये जो घुमाने के लिए ये कुछ हिला हुआ ये लीला पुंडरीक, इसको स्वीकार करें। ऐसे भेंट कर रही हैं श्री वृंदा जी। श्री कृष्ण सहर्षम आदाय, हर्ष सहित ग्रहण करते हैं, क्योंकि मित्रता का एक लक्षण ही है, छह लक्षण है, ददाति प्रतिगृहणाति भुज्य माक्षाति पुच्छति भूमते और भुजते। सो इसमें ददाति और प्रतिगृहणाति, भेंट दी जाए, भेंट ली जाए, गोपनीय बात कह दी जाए, गोपनीय बात पूछ दी जाए, भोजन किया जाए और भोजन कराया जाए, ये छह प्रकार मित्रता के लक्षण हैं। तो यहाँ पर श्री वृंदा जी ने जो सेवा की, उस सेवा को आपने आदर पूर्वक स्वीकार किया। और कह रहे हैं वृंदे रक्तोत्पले राधा कर्णयो आराधनेनो श्रीयं लभताम। ये सुंदर लाल रंग की जो कलियां आपने दी हैं, ये तो श्री प्रिया के कान का आभूषण बन करके, कर्णयो आराधनेनो उनकी आराधना करके ये दोनों कमल आज श्रीयं लभताम अपूर्व शोभा को प्राप्त कर, प्रिया के कान में आने पर ये कमल और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। देखिए सिद्धांत कितना सुंदर, श्री प्रिया लाल की अंग कांति ऐसी ऐसी है जो कि भूषण भूषण अंगम, श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया कि आभूषणों का भी आभूषण श्री श्याम सुंदर का अंग है। जगत में आभूषण पहनने से अंग की शोभा होती है, परंतु यहां ऐसा सुंदर श्री अंग है कि अंग की शोभा के कारण श्री अंग आभूषण खिल जाए, तो आभूषण की शोभा करने वाला अंग है। अंग के कारण आभूषण की शोभा नहीं है, बल्कि अंग से आभूषण जो है उसकी शोभा हो रही है। तो ये कमल भी प्रिया के कानों को की सन्निधि को प्राप्त करके आज अपूर्व शोभा धारण करके विराजमान हो, क्योंकि श्री प्रिया जी के कान आभूषणों के भी आभूषण है। ऐसा कहकर के हंत जैसे ही श्री प्रिया जी के कान में आप उस कमल की कली को धारण कराना चाहते हैं, श्री प्रिया एकदम चौंक जाती है, पर कोमलांगी है और एकदम चौंक करके कहती है, हंत पुंडरीक कोशे चंचली को बरतते। बोले प्यारे, इस पुंडरीक के भीतर कहीं आपके हाथ में जो पुंडरीक है इसके भीतर कहीं कोई भोरा तो नहीं बैठा है। पुंडरीक कोशे चंचली, चंचली कहती है भोरा, तो आपके हाथ में जो लीला कमल है इसके पास में, इसके कोश में कहीं कोई चंचली तो नहीं बैठा है, कोई भोरा तो नहीं बैठा है। श्री वृंदा जी कह रही है कि मधुप कमलेन सार्धम उद्यन मकरंदेन मुकुंद मास साधम सरशेष विनिर्मितो हि संगह परमानंद भरोन्नति तनोति। बोले अरे सखी, चिंता मत कर, चिंता मत कर, मधुपा कमलेन सार्धम, भोरा कमल के साथ में ही तो रहेगा। मधुपा कमलेन सार्धम, मधु माने भोरा, मधु का जो पान करे उसका नाम मधुप, तो ये भोरा कमलेन सार्धम कमल के साथ में, कम माने जल, उसको जो अलंकृत करे उसका नाम कमल, कम अलंकरवती कमलम, जो जल को अलंकृत करे उसका नाम कमल। तो ये भोरा कमले साधन कमल के साथ उद्यन मकरंद, कमल कैसा है जिसमें मकरंद कहीं प्रकट हो रहे हैं, उद्यन मकरंद जो मकरंद जिसमें से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे कमल के साथ में भोरा लो श्याम सुंदर के पास में ही पहुंच गया। मुकुंदम आस साधो, श्री मुकुंद के पास में पहुंच गया। अब यहां पर हर जगह परिकर अलंकार का प्रयोग है,
परकर अलंकार वहां होता है जहां पर साभिप्राय विशेषण दिए जाए, उसका नाम परकर अलंकार है। प्रसंग के अलग बात है, मम्मट नाम के एक आचार्य ने काव्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य शास्त्र का, काव्य प्रकाश, और वो काव्य प्रकाश वे मम्मट कवि लिख पाए केवल परकर अलंकार। फिर इसके बाद में कोई अय्यत सूबी हुए, उन्होंने उस काव्य को पूरा किया। तो परकर अलंकार जो है वो एक बहुत प्रसिद्ध अलंकार है। परकर अलंकार वहां होता है, प्रथम श्री मम्मराचार्य ग्रंथोयम परकरावधि शेषम च पूरितम ग्रंथ शेषम च पूरितम तेनो विधायालक सूर्य, ये प्रसिद्धि है काव्य प्रकाश के विषय में, मुझे काल प्रसिद्ध। तो ये यहाँ पे मधुप बड़ा सार्थक शब्द है, मधुप माने शहद का पान करने वाला। अब ये घोरा भी मधु का पान करने वाला है, इसलिए इसका नाम मधु। भ्रमर भी कहा, मधु कहने का तात्पर्य है ये रस का ही पान करने वाला। अतः हे श्री प्रिय राधिके, ये भोरा आपके अधर से प्रकट होने वाली जो अमृत की बिंदु है उनका पान करने के लिए यह भी उत्सुक हो रहा है। ये मधु कहने का तात्पर्य कि आपके अधरामृत पान करने के लिए भोरा भी कृतकृत्य हो जाएगा, आपके फेलालव आपके अधरामृत का पान करके ये भी कृतकृत्य हो जाएगा। मधुपा अब कमल, कमल शब्द भी सार्थक शब्द है, कम माने जल को जो अलंकृत करे उसका नाम कमल। ऐसे ही ये जल को भी अलंकृत करने वाला है, और अब यहाँ श्री श्याम सुंदर उनके पास में आकर के उनके रूप समुद्र को भी अलंकृत करते हुए विराजमान है कमलिन। उद्यन मकरंदेव, इससे मकरंद प्रकट हो रहे हैं, और ये कहाँ आ गया, बोल मुकुंदम आससाव, मुकुंद के पास में आया। मुकु माने आनंद, मुकुंद शब्द के दो अर्थ होते हैं, मुकु माने आनंद, मुकु माने मुक्ति, जो मुक्ति प्रदान करे उसका नाम मुकुंद। परंतु यहाँ पर वो अर्थ नहीं लगेगा, ये मुक्ति वाला अर्थ संगत नहीं है। मुकु का दूसरा अर्थ है, मुकु माने आनंद, जो आनंद को प्रदान करे, मुकुम आनंदम ददाती इति मुकुंदा, जो आनंद को प्रदान करे उनके पास में ये घोरा आ गया है। प्रत्येक शब्द का अपना तात्पर्य है, और अपने तात्पर्य प्रत्येक शब्द उसका कहीं भी कोई अनुवाद संभव नहीं। सही सही बात तो यह है कि हम जब अनुवाद करते हैं तो अनुवाद कहीं मिलता जुलता ही होता है, अनुवाद कभी भी यथार्थ नहीं होता है। जो विद्वान जन हैं वे ये मानते हैं कि अनुवाद यदि सत्य होगा तो वो सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा तो वो सत्य नहीं होगा। क्रोसे एक अंग्रेजी साहित्य का बड़ा प्रसिद्ध क्रिटिक रहा, और उसने कहा इफ द ट्रांसलेशन इज ब्यूटिफुल देन इट इज नॉट फेथफुल, एंड इफ इट इज फेथफुल देन इट इज नॉट ब्यूटिफुल। ट्रांसलेशन किया ही नहीं जा सकता है किसी भी शब्द का। अब कमल का एक अर्थ है, पंकज का एक अर्थ है, सरोज का एक अर्थ है, सबके अलग अलग अर्थ है। हम उनको समझते हैं कि पर्यायवाची है, पर कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ ही कहीं प्रकट हो रहा है। तो मुकुंद कहने पर कोई अलग अर्थ ही प्रकट हो रहा है कि मुकुंद माने आनंद को प्रदान करे, कमल कहने पर कोई अलग अर्थ प्रकट हो रहा है कि जो जल को आनंदित करे, मधु कहने पर अलग अर्थ प्रकट हो रहा है कि जो मधु का शहद का ही आस्वादन लेते हुए विराजमान हो। तो मधुपा कमलेन साधम, ये भोरा कमल के साथ में मुकुंदम आस्वादो श्री कृष्ण के पास में, मुकुंद के पास में आ गया है। सरशेष विनिर्मितो ही संगः, क्योंकि सरस जनों के साथ में यदि संग किया जाएगा तो परम आनंद भरोन्नति तनोति, वह परम आनंद को ही उत्पन्न करने वाला होगा। सरस जनों का सरस जन के साथ में ही
संग होना चाहिए। नीरसजन का सरसजन के संग में संग होने पर दोनों का मन ही फीका रहेगा, उल्लास का विस्तार नहीं होगा। इसलिए राधिके डरो मत, डरो मत। यदि श्याम सुंदर के हाथ में जो मैंने पुंडलिक दिया है, लीला कमल दिया है, इसमें यदि मधुपुरी है तो ये मधुपुरी कहीं रस को बढ़ाने वाला ही होगा। जैसे मधुमंगल की संगति श्याम सुंदर के पास में रस को बढ़ाने में और दौत्य में हितकारी होती है, ये कहने का व्यंग्यार्थ है। उसका भीतर का जो अर्थ है वो ये कि जैसे श्याम सुंदर के साथ में सुवन मधुमंगल इनका जो संग प्रियनंद सखाओं का वो रस को बढ़ाने वाला है, ऐसे यहां पर भी रस को बढ़ाने वाला होकर के ही ये विराजमान होगा। तो सरस का सरस के साथ में संग ये परम आनंद को ही विस्तारित करने वाला होता है। परकर अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है ये, साभिप्राय विशेषण जहां हो वहां पर परकर अलंकार होता है। विशेष अभिप्राय को प्रकट करने के लिए जहां कोई विशेषण दिया जाए, और यहां पर मधुप कमल मुकुंद सरस ये सारे साभिप्राय विशेषण है। श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रिय पश्य पश्य, देखो देखो, अस्मिन् मदीय करसंगिन पुंडरीक कोशे क्षणम किल विलंबि शिली मुखोयम कर्णावलंबि तव कोक नदम प्रपेदे कंबा बलान नहीं हरत्य अनुराग लक्ष्मी। बोले प्रिय देखो देखो, मेरे हाथ में जो कमल है वो तो है सफेद रंग का, मन शुद्ध है, पर तो तुमने अपने कान में जो अभी अभी कमल की कली धारण की है वे है लाल रंग की। अब ये जो भोरा है ये श्वेत रंग का त्याग करके अनुराग के रंग में भरना चाहता है, इसलिए मेरे कमल में से उछल करके निकल करके यह आपके कान रूपी कलियों में पहुंच करके अनुराग का आस्वादन दे रहा है। क्या सुंदर ये रस, शांतिनंदन की रसज्ञता इसमें प्रकट हो रही है कि अस्मिन् मदीय कर संगन, मेरे कर माने हाथ में विराजमान इस पुंडरीक कोश, पुंडरीक के कोश से अभी अभी ये कमल जो अधिकला पुंडरीक था सफेद कमल, उसमें से अभी अभी ये कमल निकला है और निकल करके क्षणम विलंबियो कुछ देर इस पुंडरीक के ऊपर ये बैठा, श्वेत कमल के ऊपर सफेद कमल के ऊपर बैठा और वहां से निकल करके शिली मुखोयम जिसकी आगे दो मूछ निकल रही है उसका नाम है शिली मुख, दो त्रिशूल निकल रहे हो इसके भौने का नाम है शिली मुख, उसके दो बाल निकले रहते हैं तो ये शिली मुख, ये जो भोरा है शिली मुख ये कर्णावलंब तब कोक नदम प्रपेदे आपके कान में विराजमान कोक नद लाल रंग की जो कलियां थी कमल की उनके पास में ये पहुंच रहा है। क्योंकि कम बाबला नहीं हरत अनुराग लक्ष्मी, जो अनुराग लक्ष्मी है वो किसको भी किसको मोहित नहीं करती है, बड़े बड़े निर्मल चित्त वाले सुखदेव जी जैसे वे भी आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा परुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति इत्थं भूत गुणवारी, वे भी अनुराग से युक्त हो जाते हैं, पहले बिल्कुल निर्वेद प्राप्त करके निर्विकार होकर के विराजमान थे, परंतु निर्विकारता त्याग करके आत्मा रामता त्याग करके केवल भक्तिया रामता ही स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि वे प्रेमा रामता स्वीकार करते हुए विराजमान होते हैं। ये रस की अपूर्व रीति। तो किसको अनुराग लक्ष्मी आकर्षित नहीं करती है, श्री कृष्ण की और श्री राधिका की जो अनुराग लक्ष्मी है वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बरबस आकर्षित कर लेती है, आत्मा राम गणों को भी बरबस आकर्षित करती है। अतः ये भ्रमर जो कि भोरा बनकर के माधुकरी करते हुए भ्रमण करता था, जो भ्रमण करे उसका नाम भ्रमर, सब जगह से काम की चीज ले आएगा, जैसे भोरे का स्वभाव है कि वो
दाली से बच करके, पंखुड़ी से बच करके, कांटे से बच करके, घुंडी से बच करके, केवल मधु को लेकर के चला आएगा। ऐसे ही बाबा जी जाएगा गृहस्थी के द्वार पर, परंतु गृहस्थी के एल फैल प्रपंच से उसको कोई मतलब नहीं, अपने माधुकरी ली और लेकर के चला आएगा, काम की चीज ले आएगा। तो ये भोरा भी आज वास्तव में भ्रमर है, माधुकरी वृत्ति, मधुकर वृत्ति उसको भी प्राप्त करने वाला है, और उस वृत्ति में युक्त ये भोरा आज जो निर्गुण निराकार जो त्यागमय ब्रह्म ज्ञान था, उस ब्रह्म ज्ञान का त्याग करके या अनुराग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपके कान की लालिमा की ओर ही प्रकट हो रहा है, विराजमान हो रहा है, और ये कहीं श्वेतता उसका त्याग करके अनुराग की ओर उन्मुख होता हुआ चला जा रहा है। अनुराग लक्ष्मी, और अनुराग लक्ष्मी किसको बलपूर्वक आकर्षित नहीं करती। दोबारा सुने कि अस्मिन मदीय करसंगनि, मेरे अस्मिन माने इस मदीय करसंगनि, मेरे हाथ में स्थित पुंडरीक कोश, इस कमल के कोश में ये भोरा विराजमान था, क्षण विलंब कुछ देर के लिए तो ये उस कमल कोश में रहा, परंतु श्री मुखोयन यह भोरा वहां से निकल करके कर्णावलंबी हे प्रिय आपके कान में विराजमान कोक नदम पर पेगे, लाल कमल की कलियों की ओर उन्मुख हो गया है। कम बागान नहीं हरती, किसको बलपूर्वक हरण नहीं कर लेती है अनुराग लक्ष्मी। अर्थात आपका जो अनुराग है वो बड़े बड़े ज्ञानी आत्माराम ग्रहों को भी आकर्षित कर लेने वाला होता है। श्री रूप गोस्वामी जी का कहना है क्या, जहां पर रस में भी परम गोपनीय जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रस्तुत करके, रस के साथ में को करके उस सिद्धांत को प्रस्तुत कर देती है, और जो सिद्धांत की कठोरता शुष्कता वो समाप्त होकर के रस की सरसता में परिणत हो जाती है, ये उनकी वर्णन करने की प्रस्तुत करने की शैली की अपूर्वता है। श्रीमद महाप्रभु ने यही जो श्लोक था आत्मा रामाश्र मुनियो इसकी 61 प्रकार से व्याख्या की, परंतु यहां पर उसी जो कठिन व्याख्या या व्याकरण की शुष्कता को लेकर के जो व्याख्या थी उसको ही कितना मधुर बना करके यहां पर प्रस्तुत कर श्री कृष्ण कह रहे हैं स्फुटम हंस करके, कर्णोत्तंसित रक्त पंकजिशो भृंगी पते झंक्रिया भ्रांते नाग्नि मृगंचले धृति भृंगावली विभ्रमं त्रासांत दोलतांत विचलत चूड़ा झड़क कारिणी राधे व्याकुलतां गतापि भवति मोदं ममाधास्यति। विदेशी प्रिया जी, अब तो भोरा जैसे ही श्याम सुंदर के हाथ के पद्म से निकल करके, उस पुंडरीक से निकल करके श्री प्रिया जी के कानों में विराजमान जो अपूर्व कोक द्वद कोक नद द्वद द्वंद लाल जो कली थी उनकी ओर जो गया, तो प्रिया के कान के ऊपर जब वो घूम रहा है, कमल के ऊपर घूम रहा है, तो प्रिया तो भयभीत हो रही है, और भयभीत होकर के कभी इधर मुख करती है, कभी इधर मुख करती है, कभी हाथ से कभी अपने अंचल से भौरे को दूर हटाना चाह रही है, और प्रिया की चंचलता उसका श्री श्याम सुंदर जी रसिक श्रोमणी दर्शन कर रहे और कह रहे हैं कि कर्णोत्तंसित रक्त पंकज जुषा है। हे श्री प्रिय, आपने कर्ण में उत्तंसित माने धारण कर रखे हैं। उत्तंस शब्द दोनों जगह प्रयोग होता है, काम के लिए भी प्रयोग होता है और मस्तक के लिए भी, मस्तक के मणि के लिए भी उत्तंस शब्द का प्रयोग होता है। कहीं दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। माथे की जो चूड़ा मणि है उसके लिए उत्तंस, और कान के कुंडलों के लिए अवतंस। उत्तंस अवतंस दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग, कभी एक ही उत्तंस शब्द का दोनों जगह प्रयोग। कान के आभूषण के लिए भी उत्तंस शब्द और शुरोमणि के लिए भी उत्तंस शब्द। यहां पर कान के आभूषण के लिए उत्तंस शब्द का प्रयोग है कि कर्णोत्तंसित
कान में आपने उत्तर स्वरूप में जो कान के आभूषण धारण कर रखे हैं, तो कर्णोत्तन से रक्त पंकज जुषा, लाल जो कमल आपने कान में धारण कर रखे हैं, ये श्री कृष्ण का नाम ही आपके कान का कुंडल बन करके विराजमान हुआ है। यह जो कर्णपुर है, यह कर्णपुर कृष्ण ही आपके कान के कर्णपुर बन करके विराजमान हो गए। कभी कर्णपुर उनका वास्तविक नाम तो था पुरीदास, श्री ईश्वर जी उनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, तो पुरीदास उनका नाम था, परंतु उस छोटे से बालक को श्री शिवानंद सेन जो वीरातूति होकर के विराजमान है, सबको महाप्रभु के साथ में मिलाने वाले हैं, और जितने भी गौड़ीय भक्तगण उन सबों को लेकर के श्री महाप्रभु के पास में सबकी व्यवस्था करते हुए श्री शिवानंद सेन जब पधारे, उस समय उस बालक को भी साथ में ले गए और बालक को ले जाकर के महाप्रभु के चरणों में लुटा दिया, विराजमान कर दिया। महाप्रभु उस बालक को देख करके कह रहे हैं कि कृष्ण कहा कृष्ण कहे, और वो बालक बोल नहीं रहा है। महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहे, परंतु बालक बोल नहीं रहा है। पास में खड़े हुए हैं श्री भक्तगण, श्री स्वरूप दामोदर। महाप्रभु कह रहे हैं बोल क्यों नहीं रहा है, मैंने तो सिंह लता पता शेर भयंकर विषधर सांप उनके मुख से भी कृष्ण नाम का उच्चारण करा दिया, परंतु ये बालक मेरे कहने पर भी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है। नहीं मैंने सो बात नहीं है, आपके मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए बालक ये समझ रहा है कि ये तो गुरु मंत्र है, राशि मंत्र है, इसलिए राशि को तो हृदय में रखना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए, बोल नहीं रहा है, उच्चारण नहीं कर रहा है। उस समय श्री महाप्रभु अपने अंगूठे को बालक के मुख में दे रहे हैं, और जैसे ही महाप्रभु ने अपना अंगूठा चरण का उस बालक पुरीदास के मुख में दिया, पुरीदास ने तो महाप्रभु के चरण को कस के पकड़ लिया बालक ने, और चुसुर चुसुर चूस रहा है। श्री कर्णपुर उनका नाम ही हो गया महाप्रभु अंगुष्ठ पुष्ट अंगूठा चूसा छेला। श्री नृसिंह वल्लभ गोस्वामी जी अपने प्रवचन में जो वर्णन करते थे, कहते थे अंगूठा चूसा छेला, महाप्रभु अंगुष्ठ पुष्ट, महाप्रभु के अंगुष्ठ को चूस करके जो सुपुष्ट हो गई है। और उस समय श्री कर्णपुर के मुख से, उस बालक के मुख से, 3-4 वर्ष का बालक है वो छोटा सा, और उसके मुख से एक श्लोक निकला कि शुभ सो कुबलय मक्षण हो मंजन मुरस महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हर जयति, कि उन हरि की जय हो जिनका शुभ सो कुबलय, जिनका कृष्ण नाम ही श्री राधिका के कान का कुबलय। देखिए यही लीला है, इसी लीला का प्रसंग, वही इसी लीला का स्मरण हो रहा है कि श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी के कान में जो कुंडल धारण कराए, प्रिया उन कमलों को इसलिए, कुबलयों को इसलिए धारण कर रही हैं, मानो कृष्ण नाम ही प्रिया के कान का आभूषण बन करके विराजमान हो गया। कर्णपुर कहते हैं कान के आभूषण, तो शुभ स्वरूप कुबलय श्री कृष्ण ही श्री राधिका के कान के कुंडल है। मंजनम अक्षरो, प्यारी जो आंखों में कज्जल लगाती है वो कज्जल नहीं है, मानो प्यारे का रूप ही काजल बन करके इनके नयनों में विराजमान होता है। और महेंद्र मणिदामा, उरस महेंद्र मणिदामा, प्रिया जो भक्षस्थल के ऊपर इंद्र नीलमणि का जड़ा हुआ जो हार धारण करती है वो इंद्र नीलमणि ही, मानो प्यारे की प्रिया का जो प्रेम, वो प्रेम ही रूप दर्शन ही इनके कंठ का हार बन करके विराजमान हो जाता है। तो महेंद्र मणिदामा इस प्रकार वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम, श्री श्याम सुंदर ही वृंदावन की जितनी भी तरुणी गण हैं
उनके अपूर्व मंडन मन करके आभूषण बन करके विराजमान, नैनों के काजल कृष्ण, कानों के कुंडल श्री कृष्ण, गले का हार श्री कृष्ण, कृष्ण ही सारे आभूषण बन करके विराजमान हो जाते हैं। तो यहां पर कोई उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कर्णों तंसित रक्त पंकज झुषा, हे प्रिय आपने जो कान में कुंडल धारण कर रखे हैं उस कुंडल का सेवन करने के लिए मेरे कमर से निकल करके ये भोरा आपके कान के कुंडलों की ओर भृंगी पते झंकरिया, ये भृंगी पति माने भ्रमर या झंकार करते हुए आपके कुंडलों की ओर दौड़ रहा है। भ्रांते नाद जगन चले न दधती, ऐसे उस भोरे को आप अपनी चंचल नयनों से देखती हैं। सुंदर श्री किशोर जी की शोभा, कान के ऊपर जो कुंडल है वो घूम रहा है, आंख घुमा करके जैसे भोरा घूम रहा है ऐसे भ्रांत भोरे के ऊपर ही आंख गड़ा करके श्री प्रिया भी अपनी दृष्टि को घुमा रही है। भोरा जैसे भंवरी ले रहा है, प्रिया के नयन भी उसके ऊपर भंवरी लेते हुए विराजमान है। तो भ्रांत जगनचंद माने दृष्टि के द्वारा, हे श्री प्रिय ऐसा लगता है कि एक भोरे के ऊपर वृंदावनी विभ्रमण, आप अनेक अनेक वृंदावनियों को प्रकट कर रही है। दोनों नेत्र तो तीन हो गए, एक तो वो भोरा हो गया और दो नेत्र प्रिया जी के, तो वृंदावनी विभ्रमण, वृंदावनी के विभ्रम को ही धारण करती हुई आप विराजमान हो रही हो। त्रासान दोलित दोलता, उस समय श्री प्रिया में स्वाभाविक रूप में जो भय उत्पन्न हुआ उस त्रास के द्वारा आंदोलित भ्रूलता अपनी भौहों के अपनी श्रीहस्त लता दोलता, दो माने भुजा, अपनी भुजा की जो लता है उसको आप आंदोलित कर रही है, अर्थात भोरे को दूर दूर भगा रही है। और उस समय दूर भगाने के जो व्याकुलता है उस संभ्रम में श्री प्रिया की अमूढ़ा चूड़ा वो खुल गया है। बलिहारी सो बिलसत चूड़ा झड़त किंकड़ी, जो चूड़ा है वो चूड़ा भी हिल रहा है और हिल करके शिथिल होता हुआ चला जा रहा है, और झड़क कंकड़ी और आपकी किंकड़ी मतलब कमर की जो खोदनी है वह भी अपूर्व रूप से झड़कार करती हुई विराजमान, हाथ के कंकड़ उनका अपूर्व झड़कार हो रही है, जो किंकड़ी है उनका अपूर्व शिंजन हो रहा है, जो नूपुर है वे अपूर्व रूप से बज रहे हैं, सारे आभूषण भी जैसे जय हो करके आज शिवप्रिया की शोभा की वंदना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। राधे व्याकुलतां गताप भवति मोदम मम धास्यति, बोले हे शिवप्रिय भले आप व्याकुल हो रही हो पर व्याकुल होने पर भी आप मेरे हृदय में अपूर्व आमोद ही प्रदान कर रही हो। इसी का नाम है माधव, सब अवस्थाओं में सुख प्रदान करना, सब अवस्था में सुंदर लगना, उसका नाम है माधुर्य। शिवप्रिया में अपूर्व माधुर्य यहां पर विराजमान, तो नहीं कर्णो तंसित रक्त पंकज जुषा भृंगी पते, आज भृंगी पते माने इस भोरे की झंक्रिया, जो झंकार है भोरा कैसा है, कर्णो तंसित आपने कान में उत्तंस रूप में रक्त पंकज लाल रंग के जो कमल धारण कर रखे हैं उनका चुषा उनका सेवन करने वाला ये भोरा है, ऐसे इस भोरे की झंकार के कारण भ्रांते नाते दृगंचल, हे श्री प्रिय आपके दृगंचल भी आपके नेत्र भी अत्यंत भ्रांत हो रहे हैं। दधती वृंदावली विभ्रमम, और आपके नेत्र वृंदावली के विभ्रम को ही धारण करते हुए विराजमान है। त्रासान दोलता, बड़ी सुंदर शिवप्रिया जी की ये रूप माधुरी बिल्कुल ध्यान करने लायक रूप माधुरी, त्रासान दोलित दोलता और भोरे की भय से आप कभी श्रीहस्त को एक तरफ हिलाती है, कभी श्रीहस्त के द्वारा दूसरी तरफ उस भोरे को सरकाने का प्रयत्न करती है, हिलाने का
दूर भगाने का प्रयत्न करती है तो त्रास माने भय के कारण आंदोलित दौड़ लता जिनकी दोनों भुजाएं आंदोलित हो रही हैं और उनसे विचलक चूड़ा मस्तक का चूड़ा अमूड़ा वो खुलता हुआ चला जा रहा है। झड़त कारिणी और झड़तकार हो रहे हैं हाथों के बले कटी की किंकड़ी चरणों के नूपुर ये झड़तकार करते हुए विशेष रूप से विराजमान कानों के ताटंक विशेष रूप से झड़तकार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो चूड़ा झड़तकारिणी राधे व्याकुलता हे श्री राधे आप व्याकुलता को प्राप्त करके भी मेरे हृदय में मोदम ममा धास्यति अपूर्व मोद को उत्पन्न कर रही हो। श्री प्रिया भयभीत होकर के चेलान चलम उदन चक्ति अपना जो ओढ़नी ओढ़ रखी है उस चेलान चल को उस फरिया को कहीं उस रुमाल को कहीं उदन चक्ति हिलाती हुई हमारे ब्रिज में तीन प्रकार की ओढ़नी है। एक है कहलाती है रुमाल, दूसरी कहलाती है फरिया, तीसरी कहलाती है चादर। चादर वो जो सर्वांग को ढांक ले बड़ी वो है चादर जो केवल कमर कमर तक रहे और फौराती हुई चले उसका नाम फरिया और जिसको केवल प्रमदागण अपने मस्तक पर कहीं स्कार्फ की तरह से बांध ले वो है रुमाल। श्री रसिकजनों ने तीनों रूप माधुरियों का अनेक जगह वर्णन किया कभी रुमाल कभी फरिया कभी उत्तरी चादर तीनों की शोभा अद्भुत है। सो इस समय श्री प्रिया अपनी जो फरिया है जो उत्तरीय वस्त्र है उस उत्तरीय वस्त्र के द्वारा बार बार उस भौरे को हटाती हुई चेलान चलम उदन चयंती कह रही है कि कथम अद्यापि न चलति दृष्टः हाय ये भौरा दृष्ट अभी तक मेरा त्याग क्यों नहीं करता है यहां से दूर क्यों नहीं भागता है। श्री कृष्ण कह रहे मधुराक्षी मुधात संभ्रमेणो हे मधुराक्षी सुंदर नेत्र वाली मुधात संभ्रमेणो संभ्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्षिप चेलांचलम अन्यसान भूयः हे श्री प्रिय अपने इस फरिया की लहर को चेलांचल को अपने इस वस्त्र को अब और ज्यादा इस अंचल से इस भौरे को भगाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमर लीला चल रही है भ्रमर घाट की लीला चल रही है तो इस भ्रमर को भगाने की जरूरत नहीं है। पिबत श्रोत पलोत गतम ते मधुपा आपके कान में जो कमल विराजमान है इस श्रवण के उत्पल को मान छोटे कमल को कली को